हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्रिप्टो पीयूष ऑनलाइन पर। जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का ज़रूर क्लिक करें, जिससे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। तो मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया हूँ। आज मैं जिस कॉइन की बात करने वाला हूँ, उस कॉइन का नाम है टेरेक्सा कॉइन, जिसके शॉर्ट फॉर्म है TARA। और मुझे जो लगता है, ये आने वाले टाइम में काफ़ी यूसेज है इस कॉइन का और काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो अभी जो करंट प्राइस चल रहा है इस कॉइन का, वो 0.0016 सेंट्स चल रहा है और जो रैंक है वो 1092 है। और अगर हम टोटल सप्लाई की बात करें दोस्तों, तो टोटल सप्लाई है अराउंड 10 बिलियन और सर्कुलेटिंग सप्लाई भी आप देख सकते हैं समवे अराउंड 3 बिलियन के आसपास है। अगर आप इस कॉइन को देखेंगे दोस्तों, बिगेस्ट काफ़ी डाउन चल रहा है। हम ऑल टाइम हाई की बात करें, अगर आप देखेंगे ऑल टाइम हाई समवेयर अराउंड 5 सेंट्स के आसपास था और अभी जैसे कि मैंने आपको दिखाया 0.0016 सेंट्स के आसपास चल रहा है। दोस्तों ये एक लेयर वन प्रोजेक्ट है और साथ ही साथ EVM कंपैटिबल है, तो जिससे मुझे लगता है कि अच्छा रिटर्न ये दे सकता है। बिकॉज नेक्स्ट बुल रन में जो कि मैं देख पा रहा हूँ, लेयर वन लेयर टू प्रोजेक्ट्स का काफ़ी अच्छा एक रन आ सकता है और लेयर वन लेयर टू प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। इवन ब्लॉक डेक का भी एक सीज़न आ सकता है। दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे कि ऑल टाइम हाई इसका था अराउंड 7 सेंट्स और ऑल टाइम लो भी आप देख सकते हैं 0.0005 था और अभी 0.0016 चल रहा है। तो इसको आप बाई करके अच्छा रिटर्न ले सकते हैं, बट स्टिल अगर आप वेट कर सकते हैं बिकॉज 20-30% ये ऑलरेडी हाई है, तो 0.001 के आसपास आप इसको बाई करके होल्ड कर सकते हैं। इनके ट्विटर अकाउंट पे आ गया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जैसा लिखा है, टेरेक्सा इज़ एन EVM कंपैटिबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है और साथ ही साथ जो ब्लॉक डेक पे वर्क करता है। तो जैसे मैंने बताया, आने वाले बुल रन में ब्लॉक डेक वेब 3 का काफ़ी अच्छा सीज़न आ सकता है और ब्लॉक डेक और वेब 3 से रिलेटेड कॉइन्स काफ़ी पम्प कर सकते हैं, अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। दोस्तों ये EVM कंपैटिबल है, जिसकी वजह से भी काफ़ी अच्छा रिटर्न इसमें देखने को मिल सकता है। ये 10x 20x इवन 50x भी ये कॉइन दे सकता है। आप देख सकते हैं जैसे कि अभी जुलाई 22 को यहाँ पर मेननेट ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप इनके ट्विटर अकाउंट पे आके ले सकते हैं। दोस्तों काफ़ी स्मार्ट ब्लॉकचेन ये लोग बना रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर बाइनेंस ने भी इनको रिकॉग्नाइज करा है ब्लॉक डेक को। तो आने वाले टाइम में ये अच्छे एक्सचेंजेस पर भी लिस्ट हो सकता है। अभी की बात करें दोस्तों, तो ये KU कॉइन, Gate.io और MEXC एक्सचेंज पर अवेलेबल है। तो इन तीनों में से आप किसी भी एक्सचेंज पर बाई करके इसको होल्ड कर सकते हैं और मुझे जो लगता है आने वाले टाइम में ये बिग एक्सचेंज पे भी लिस्ट हो सकता है, लाइक बाइनेंस और बाइबिट एक्सचेंज पर भी लिस्ट हो सकता है। मैं इनकी वेबसाइट पे आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे दिखा रहा है ऑलरेडी ब्लॉक डेक प्लस EVM लेयर वन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है, इसके साथ ही साथ AI इनेबल्ड इकोसिस्टम है। तो AI आप ऑलरेडी जानते हैं कि AI का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है और इनका देख सकते हैं 5000 ट्रांजेक्शन्स पर सेकेंड जो स्पीड है और 4 सेकेंड्स फाइनलिटी है। ये साथ ही साथ दोस्तों ये EVM कंपैटिबल है जैसे कि मैंने बताया और ब्लॉक डेक और वेब 3 से रिलेटेड है। तो इसका एक सीज़न आ सकता है बुल रन में, जो कि मुझे लगता है इस ये कॉइन आराम से 10-20x 50x भी दे सकता है। तो इवन 10 सेंट्स तक भी ये कॉइन जा सकता है, जो कि समवेयर अराउंड 100x भी ये कॉइन दे सकता है। कॉइन टेलीग्राफ, याहू फाइनेंस सभी ने इस कॉइन के बारे में कवर किया हुआ है, जैसे कि इन्होंने वेबसाइट पे दे रहे हैं। कंपैटिबल नेटवर्क है, लो कॉस्ट ट्रांजैक्शन है दोस्तों और नो नेटवर्क कंजेशन, ट्रू डिसेंट्रलाइजेशन। सो ये सारे इनके फीचर्स हैं जिसकी वजह से इस कॉइन की भी हाइप हो सकती है। साथ ही साथ दोस्तों ये AI इनेबल्ड और वेब 3 इकोसिस्टम पे वर्क करता है, तो AI का ऑलरेडी ही एक ट्रेंड चल रहा है और आने वाले टाइम में AI कॉइन्स भी काफ़ी अच्छा रिटर्न देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कॉइन की इन्फॉर्मेशन, लाइक कितना टोटल स्टेकिंग हो चुकी है, स्टेकिंग यील्ड कितना है 17.6%, वैलिडेटर कमीशन कितना है, स्टेकिंग रेशो कितना है।
ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ले सकते हैं, और इस कॉइन को आप स्टेक भी कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे जाके, और अच्छा रिटर्न उसमें से ले सकते हैं। ये इनका 2023 का रोड मैप है दोस्तों, आप यहाँ वेबसाइट पे आगे इसे रीड कर सकते हैं। लाइक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन और सोशल लिस्टिंग, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आने वाले टाइम में ये करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, इस कॉइन की काफ़ी हाइप भी है और अभी काफ़ी डाउन भी चल रहा है ये कॉइन, तो आप इसको होल्ड करके अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया, अगर 0.0016 जो अभी प्राइस है वहाँ पर भी होल्ड कर सकते हैं, या आप वेट कर सकते हैं अगर ये कॉइन का प्राइस समवेयर अराउंड 0.001 सेंट्स के आसपास आता है, और इवन माइट बी पॉसिबल 100x भी ये हो सकता है, तो 10 सेंट्स तक ये कॉइन जा सकता है और आप काफ़ी अच्छा रिटर्न इसमें ले सकते हैं। अब सपोज़ अगर आप यहाँ पर सिर्फ $100 से भी आप बाई करते हैं, अच्छी क्वांटिटी में कॉइन्स मिल सकते हैं, और अगर $100 भी आपका 10x होता है तो $1000 आपका होगा, और इवन अगर 100x हो जाता है तो $10,000 यहाँ पर आप अर्निंग कर सकते हैं सिर्फ $100 से, बिकॉज़ काफ़ी इस कॉइन की हाइप है। साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया, ये EVM कंपैटिबल है और लेयर वन प्रोजेक्ट है, लेयर वन प्रोजेक्ट की ऑलरेडी एक हाइप है और लेयर वन प्रोजेक्ट का काफ़ी यूसेज है। लाइक मैटिक लास्ट बुल रन में गया था, और भी कई कॉइन्स थे जो लास्ट बुल रन में गए थे, उसी तरीके से हो सकता है ट्रैक्सा भी अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो मुझे उम्मीद है आप सबको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और नीचे कमेंट करें अगर आपके भी कोई कॉइन्स हैं जिसका रिव्यू आप चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।